महादेव भोलेनाथ जेमन जगन्नाथ ठाकुर जेमन माँ कालीओ तेमन सबाई आमादेर काछे भगवान। हाँ जगन्नाथेर काछे आमी प्रतिबारी टाने ओई टाने आमी आसि। अपना नामटा बोलें? निर्मलेंदु बोस। কি ঘটনা বললেন, কি ঘটনা আপনার কাছে কি হচ্ছে? আমার মনে হচ্ছে যে ওই সময় ওকে যখন ছোট করে কাঁধে করে নিয়ে এসেছি বাইরে বাথরুম করিয়ে আনলাম, এনে যখন ঠাকুরকে প্রণাম করলাম আর ওখান থেকে যখন বেরিয়ে যাচ্ছি ওর গায়ে আর জ্বর নেই। তারপরে সেই ছেলের একদম সুস্থ সুন্দর খেলাধুলা করছে, তখন থেকে মনে হলো ভগবানেরই এটা দান আমার কাছে। তারপর থেকে ওকে আমরা যেমন যেমন বড় করেছি আমরা প্রায়ই আসছি জগন্নাথকে প্রণাম করেছি, প্রণাম করতে আসি, ঠাকুরকে পুজো করতে আসি। তারপর যেমন যেমন ও স্টেপ নিয়ে এগোচ্ছে আমার মনে হয় ঠাকুরই ওকে আশীর্বাদ করে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আজকে ও এমটেক করে হ্যাঁ সিসকো কোম্পানিতে একটা বড় পোস্টে আছে, হ্যাঁ চাকরি পেয়েছে। আমরা ছেলেও বলছে বাবা চলো ঠাকুরকে প্রণাম করব যাব, তাই আমরা এসছি ঠাকুরকে প্রণাম করে দিয়ে গেলাম, ঠাকুরকে পুজো করলাম। প্রার্থনা করি যেন সবারই এরকম মঙ্গল হোক, আমাদেরও মঙ্গল হোক, ঠাকুর যেন সবার মঙ্গল করে। জয় জগন্নাথ। বিশ্বাস কত করেন আপনারা? সকলের মঙ্গল হোক সেটাই প্রার্থনা করি, সবাই ভালো থাকে। আপনারা আপনারা ঠাকুরকে বিশ্বাস কত আছে? ঠাকুরকে বিশ্বাস যেরকম করি সেরকম আর সব সময় আমরা বিশ্বাস করি। মহাদেব ভোলেনাথ যেমন, জগন্নাথ ঠাকুর যেমন, মা কালীও তেমন, সবাই আমাদের কাছে ভগবান। হ্যাঁ জগন্নাথের কাছে আমি প্রতিবারই টানে ওই টানে আমরা আসি, এসে যাই ঠাকুরকে প্রণাম করি, করে আবার কালকে আমরা চলে যাব। খুব ভাল লাগলো আপনাদের সঙ্গে কথা বলে, সত্যি আমাদের খুব ভাল লাগে, আমরা প্রায়ই আসবো এখানে, আসিও আর খুব ভালো লাগে। জয় জগন্নাথ। জয় জগন্নাথ। বর্তমান দেখুচন্তি অনুভবর কথা কৌচন্তি, আউ জনে ভাই আসছন্তি, অনেক ভক্তমানে অছন্তি ভাইঙ্ক সহিত আলোচনা করিবা। ভাই কৌঠিকু আসছন্তি এবং ভাইঙ্কর না কোন? ভাই টিকে আসন্তু এটিকে। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष शुक्ला है। कहाँ से आए हैं आप? मैं केरला से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट जांजगीर चांपा। बताइए जो जगन्नाथ जी के बारे में कैसे अनुभव आता है? मैं तो यहाँ लगभग अभी पाँचवा छठवा रहा हूँ यहाँ, और यहाँ बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से दर्शन होता है। जय जगन्नाथ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आनंद तिवारी है, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। क्या बताइए जगन्नाथ जी के बारे में बताइए। जगन्नाथ जी चारों धाम में से एक धाम है जगन्नाथ स्वामी का, और यहाँ पर लगभग मेरे को 5-6 साल हो गया आते हुए। बहुत बढ़िया है, शांति वातावरण है, चारों मुख्य दरवाजे हैं, उसके नाम से ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं रहता यहाँ पर, आने जाने में सुविधा होती है। और मेरी आस्था श्रद्धा जगन्नाथ स्वामी के ऊपर है, इसलिए मैं प्रायः हर साल 2 साल ऐसे में जब भी समय मिलता है घर परिवार से बिल्कुल मैं जगन्नाथ स्वामी के दर्शन के लिए आता हूँ, और बहुत बढ़िया शांति वातावरण है जगन्नाथ स्वामी का। क्या नाम है आपका? ज्योत्सना। कहाँ से? दिल्ली से आए? दिल्ली से आए। हरे कृष्णा, राधे राधे। क्या बताएंगे, जगन्नाथ जी को दर्शन हुआ है? बहुत अच्छे से दर्शन हुए, खुले दर्शन हुए, बाबा जी ने बहुत अच्छे दर्शन कराए, और हमारे कान्हा जी तो वहाँ से मिल के आए साक्षात बाबा से, तो बस धन्य ही हुए हम तो। ये जो परंपरा है श्री कृष्ण को हाथ में पकड़ के धर के जो जगन्नाथ जी के सामने, वो आपकी श्रद्धा है कि आप उनको किस रूप में लेके आ रहे हैं। कोई ठाकुर जी बना के लाते हैं अपने भगवान के रूप में तो वो अपने मंदिर में रख के पूजा करते हैं, पर हम इसे अपने बेटे के रूप में लेके आए, अपना बेटा बना के लेके आए, तो माँ के साथ तो बेटा हमेशा ही रहेगा चाहे वो कहीं भी जाए। तो इनका वही है दिन का दिनचर्या जैसे हमारा है, उठते हैं खाते पीते हैं, बस इनकी इच्छा हुई है आने की। हम तो कौन है लाने वाले और कौन है सेवा करने वाले, ये आए हैं ये सेवा करा रहे हैं अपनी। हरे कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे।